देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में तैयार हो चुका है। बस इंतजार है तो 8 मई का, जब इस हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन होगा। सेंटर में लोग वायुसेना के पराक्रम की झलक देख सकेंगे। We have created this heritage center under the approval of the Raksha Mantri, Ministry of Defence, and we have divided this into various sections. We have catered for the various war, the role of Indian Air Force during 47-48 war, then 65-71, role of Indian Air Force for then to Kargil as well as for the Balakot strike. Air Force ke is heritage center mein पुराने और नए विमानों और मिसाइलों के मॉडल लोगों को देखने के लिए रखे गए हैं। इसमें तेजस, राफेल, टोही विमान नेत्र, प्रचंड हेलीकॉप्टर, एयरबेस C-295, MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। सेंटर का मकसद बच्चों और युवाओं के मन में वायुसेना को लेकर आकर्षण बढ़ाना है। That the our new generation girls, children, our children, our women, that how well they are doing into Indian Air Force. We have a pictures of close to 18 women here who are first fighter pilots, first helicopter pilots, who are first transport pilot, who are the one who are commanding now. They all are basically from the different fields who are present in Indian Force and doing exceptional and better than anybody else. That is our objective. To motivate more girl children to join armed forces, and they are doing exceedingly well into the armed forces and especially into Indian Air Force. आम आदमी यहाँ MiG की कॉकपिट में बैठकर उड़ान सिमुलेटर का भी अनोखा अनुभव ले पाएंगे। सेंटर में लड़ाकू विमानों के 3 अत्याधुनिक सिमुलेटर हैं, जिनमें आपको उड़ते हुए विमान में बैठे होने का एहसास होगा। इस सिमुलेटर्स का मकसद नई पीढ़ी को वायुसेना की ओर आकर्षित करना है। And we have a simulators that's a part of my fourth section, and that will attract the youth to sit in the cockpit of a fighter aircraft like a Su-30 Rafale. हेरिटेज सेंटर में आजादी के बाद के युद्धों में भारतीय वायुसेना के पराक्रम को भी 40 शॉर्ट फिल्मों के जरिए दिखाया जाएगा। इनमें 1947 में कश्मीर घाटी में भारतीय वायुसेना की पहली टुकड़ी को उतारने से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक के पराक्रम की गाथा होगी। इसके अलावा हेरिटेज सेंटर में देश के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की ली गई तस्वीरों और अंतरिक्ष में पहनी गई उनकी पोशाक को भी प्रदर्शित किया गया है। फिल्म बॉर्डर से जुड़ी रोचक जानकारियां भी म्यूजियम में देख सकेंगे। इस हेरिटेज सेंटर को करीब 70,000 वर्ग फुट में बनाया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।